केंद्र की सरकार ने जो नीतियां लाई देश में, और आज महंगाई चरम सीमा पर है, और जो वादों के उम्मीद पर आए थे पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर, राशन को लेकर, आम जन को जिनकी जरूरत है उन सब चीजों को लेकर, इसका पुरजोर विरोध है। देखिए कल बस बंद हो गए थे। सामान्य लोगों को, आम जनों को जो जरूरत है वो केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण लगभग अब पहुंच से दूर हो गया है। पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान पे पहुंच गई है। या तो ये केंद्र की मोदी सरकार इनके दर को कम करे, कंट्रोल करे, डॉलर कहाँ आज पहुंच गया, और नहीं तो ये गद्दी छोड़े, भारत देश इनसे नहीं चल पा रहा है। हर चरण पे हम लोग विरोध कर रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान चला, इसके बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी से कई कार्यक्रम आए, और हर बिंदु पे, हर कार्यक्रम पे कार्य कर रहे हैं। और ये कुंभकर्णी नींद में सोने वाली केंद्र की सरकार को, दलालों के लिए काम करने वाली केंद्र की सरकार को, और गलत नीतियों को सही तरीके से प्रस्तुत करने की भ्रम जाल में फंसाने वाली केंद्र की सरकार के विरोध में पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आपके माध्यम से एक बात मैं कहना चाहूँगा, अब मोदी के जो भक्त हैं वो ये कहते हैं कि अब सरसों तेल प्योर आ रहा है, तो इस तरीके की बात करने वाले लोग, बहुत बहुत मुश्किल में देश फंस गया है। किसानों की हालत ख़राब है, खाद की उपलब्धता नहीं है, और इस परिस्थिति में भारत देश इनसे चल नहीं रहा है। इनको बिल्कुल गद्दी छोड़ना चाहिए। आगे क्या रहेंगे? ये एक सब सांकेतिक विरोध चल रहा है, और अगर इस पर नहीं जागते हैं लोग तो ये और देशव्यापी बड़ा आंदोलन। एक सीएसटी में भी सवाल आता है कि राज्य सरकार